हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ व्हीसल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू 20 रेडियन पर सेकंड यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम व्हीसल इज 385 हर्ट्ज देन व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर विच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एक व्हीसल है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही है। तो ये एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये व्हीसल जो है ये रिवॉल्व हो रही है, राइट। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस यहाँ दिया है 50 सेंटीमीटर, ओके। और एक ऑब्जर्वर है जो इस सर्कल से, इस व्हीसल से कहीं दूर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे फोकस करने वाली जो चीज़ है वो ये है मिनिमम, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये व्हीसल अगर इस तरह से गोल अगर घूम रही है, समझो ये हम लोग व्हीसल अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से व्हीसल ड्रॉ कर लेंगे, तो अब अगर ये व्हीसल ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होती है या फिर रिवॉल्व होती है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब रहेगी। देखो हमें पता है कि जब कोई भी सोर्स टूवर्ड्स जब मूव होता है किसी भी ऑब्जर्वर की तरफ, टूवर्ड द ऑब्जर्वर, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। देखो यहां पे मैं लिख दूं कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स अगर मोशन में है एंड इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर देन फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इंक्रीज होती है। लेकिन यही ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स अगर अवे मूव हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए मतलब डिक्रीज होने वाली फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब मुझे वो सिचुएशन फाइंड करनी है कि जिस सिचुएशन में ये व्हीसल जो है ये अवे मूव हो रही हो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर। और जब ये व्हीसल अवे मूव हो रही है तो अवे के लिए हमारे पास जो डॉपलर्स इफेक्ट की फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होता है, एन डैश इक्वल्स टू एन वी माइनस वी ओ वी प्लस वी एस, ये फॉर्मूला होता है जब रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स ये अवे होता है, राइट। और अगर रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर अगर टूवर्ड्स है तो उस केस में क्या होगा, प्लस ऊपर रहेगा माइनस नीचे आ जाएगा। तो अब इस केस में जैसे हमने कहा कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, यहां पे एन डैश क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय दिस ऑब्जर्वर, एन क्या है, इट इज अ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 385 थी। देन ब्रैकेट में वी इज अ वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो 340 दिया है, 340 माइनस वी सफिक्स हो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, तो यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, राइट। तो ये जीरो ले लेंगे डिवाइड बाय 340 प्लस वी सफिक्स एस दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जो यहां पे गिवन है, देखो कितना कि यहां पे लीनियर वेलोसिटी गिवन नहीं है तो हम लोग फाइंड करेंगे। हमें पता है वी इज इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज अ 50 सेंटीमीटर जिसको हम लोग 10^-2 लिखेंगे दैट इज इन मीटर, और ओमेगा ये है 20, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 × 20 ये 1000 हो जाएगा, सॉरी × 10^-2 ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी यहाँ पे स्पीड दैट इज अ लीनियर स्पीड, सो हियर इट इज 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एन डैश इक्वल्स टू 385 ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 340 और ये हो जाएगा 350, तो एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो इट इज 385 × 34 डिवाइड बाय 35। अगर हम लोग 5 से अगर इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे हमें मिलेगा 77 × 34 और 5 से 35 होता है इसलिए ये हो जाएगा 7, तो फिर से डिवीजन 11 × 34 और 11 × 34 देखो कितना होगा 374 हर्ट्ज, तो इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व करेगा, ओके।